हाउ कैन वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर बाई यूजिंग अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल. आइए देखते हैं. वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंजलि सक्सेना. आई वेलकम यू ऑल. डियर लर्नर्स, अल्टीमेट एनालिसिस, जिसे हम एलिमेंट्री एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. अल्टीमेट एनालिसिस क्या है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में आपको समझा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ये हमने अपनी लास्ट की वीडियो में समझा है, जिसका न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था और जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो एज अ रेफरेंस आप उसको देख सकते हैं. अब आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर, जिनके फॉर्मूले कैसे आए थे ये हमने अल्टीमेट एनालिसिस में समझा था. तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल. यहाँ लिखा हुआ है 3 ग्राम ऑफ कोल हीटेड इन जेलडॉल्स फ्लास्क एंड NH3 गैस इवॉल्व वॉज एब्जॉर्ब इन 40 ml ऑफ 0.5 N H2SO4. तो हमने 3 ग्राम कोल को लिया, जेलडॉल फ्लास्क में हीट किया, जिससे जो H2SO4 यूज हुआ है उसकी नॉर्मेलिटी तो 0.5 है, लेकिन H2SO4 हमने 40 ml लिया है. हम जानते हैं कि हम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं जेलडॉल मेथड में, और इस अमोनिया को एब्जॉर्ब कराते हैं एक्सेस ऑफ H2SO4 में. अब कितना H2SO4 अमोनिया के साथ यूज हुआ ये मुझे निकालना होगा. इसके लिए हम बैक टाइट्रेशन करते हैं. तो देख सकते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 18.5 ml ऑफ 0.5 N KOH. तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है H2SO4 और H2SO4 से KOH का. तो जितना वॉल्यूम H2SO4 का KOH को न्यूट्रलाइज करने में लगा होगा, अगर मैं उसको माइनस कर दूं 40 में से, तो मेरा निकल आएगा कि कितना H2SO4 का एसिड वॉल्यूम यूज हुआ अमोनिया के साथ. फिर से समझाती हूँ. हम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कराते हैं और इसको एब्जॉर्ब कराते हैं एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ, एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ. अब कितना H2SO4 अमोनिया के साथ यूज हुआ ये निकालने के लिए मैं बचे हुए H2SO4 से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराऊंगी या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कराऊंगी किसी बेस से. तो इसको न्यूट्रलाइज करने में जितना यूज हुआ, इसको न्यूट्रलाइज करने में जितना यूज हुआ, अगर ये मेरा टोटल वॉल्यूम था तो V में से अगर मैं V2 माइनस कर दूं तो जो मेरा वॉल्यूम आएगा ये वॉल्यूम यूज हुआ अमोनिया के साथ एब्जॉर्ब होने में. ठीक, तो मेरा टोटल वॉल्यूम जितना था उसमें से मैंने V2 माइनस कर दिया जो मैंने बैक टाइट्रेशन में किया, जिससे मैं ये निकाल लूंगी. आइए देखते हैं इसको. इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले हमें दिया है वेट ऑफ कोल सैंपल, वेट ऑफ कोल सैंपल. इस सवाल में हमें दोनों चीज दी हैं, हमसे सल्फर भी पूछा है और नाइट्रोजन भी पूछा है. यहाँ दूसरा पार्ट इसका जोड़ा हुआ है 2.3 ग्राम ऑफ कोल सैंपल इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस गिव इतने दैट अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन कोल सैंपल. तो पहले यहाँ पे 3 ग्राम सैंपल है और यहाँ पर 2.3 है, ये देखने वाली बात है. यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं. तो हमें 3 ग्राम कोल दिया है, वेट दिया है नाइट्रोजन के लिए. पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं. अब इससे जो अमोनिया इवॉल्व हुई उसको एब्जॉर्ब कराया गया 40 ml 0.5 N H2SO4 के लिए. तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कितनी है, दैट इज 0.5 N. वॉल्यूम ऑफ H2SO4 या एसिड जो लिया गया था वो स्टार्टिंग में 40 ml लिया गया, बट वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज कितना है. तो हमें N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 फॉर्मूला निकालना होगा, एक तरफ एसिड एक तरफ बेस. एसिड का वॉल्यूम कितना लगा ये मुझे नहीं पता है, नॉर्मेलिटी पता है,
और बेस की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों पता है, तो वहां से मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दोनों की नॉर्मेलिटी सेम है, हालांकि बात वही है, यहाँ पर दोनों की नॉर्मेलिटी सेम है, आप देख सकते हैं 0.5 n 0.5 n, तो मैं डायरेक्टली माइनस कर दूं अगर 40 में से इस 18.5 ml को, तो भी मेरा वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज कितना होगा अमोनिया के साथ, ये निकल आएगा। तो दैट विल बी 40 - 18.5, तो ये निकल कर आएगा 21.5 ml। अब मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मुझे पता है विल इक्वल्स टू 1.4 इंटू N1 इंटू V1 अपॉन W, तो यहां से निकल आता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1.4 N1 यानी कि नॉर्मेलिटी जो कि 0.5 है, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज जो कि 21.5 है, वेट ऑफ कोल सैंपल जो कि 3 grams है, तो ये परसेंटेज निकल के आएगी 5.01%। सो दैट इज द आंसर फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ सल्फर, हम निकालने के लिए सल्फर को सल्फेट में कन्वर्ट होता है और इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे कि ये बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो बेरियम सल्फेट मिला इसको पैसिपिटेट फिल्टर कर लो, ड्राई कर लो और उसका वे कर लो, तो जितना भी सल्फर है इस वक्त बेरियम सल्फेट की फॉर्म में अवेलेबल है, तो हम इसको भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सल्फर विल इक्वल्स टू 32/233 बेरियम सल्फेट जिसका वेट 233 है और 32 सल्फर का वेट है इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनटू 100। तो यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, देखते हैं हमें कितना बेरियम सल्फेट दिया गया है, हमें बेरियम सल्फेट मिला है 0.35 ग्राम और कोल है 2.3, तो 0.35 और वेट ऑफ कोल सैंपल है 2.3 इनटू 100। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो निकल कर आएगा 2.08%। सो दिए हुए सवाल में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और परसेंटेज ऑफ सल्फर हमने कैलकुलेट की, नाइट्रोजन जो कि ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है जो निकल के आई 5.01%, ठीक, और सल्फर निकल के आया हमारा 2.08%। तो अपनी आज की इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से जेलडॉल मेथड से हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमने थोड़ा समझा कि बैक टाइट्रेशन क्या होता है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।